हेलो लोगों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर। हमारे पास जो क्रेटा की डिलीवरी की वीडियोस थी वो आप लोग देख चुके हैं। ये जो हमारी न्यूली परचेज कार है, जो कि हमारी प्रोजेक्ट कार भी है, जिसको हमने बेस वेरिएंट परचेज किया, लेकिन इसमें हम काफी सारी एक्सेसरीज लोडिंग करके इसको एन लाइन तक ले जाने की कोशिश करेंगे और शायद हम बना भी लें। साथ ही साथ बात बता देता हूँ आप लोगों को, क्रेटा के अंदर आप लोग दो तीन चीजें ऐड नहीं करा सकते, जैसे ऑटोमेटिक एसी हो गया, पूरा का पूरा सनरूफ हो गया, एग्जैक्टली जैसा कंपनी से आता है वो चीज कराने का, आफ्टर मार्केट में वो चीज भी होती है, बट लीकेज के इश्यूज आते हैं वो नहीं करा सकते। एक एडास जो फीचर काम करता है इसका क्रूज कंट्रोल के साथ, वो नहीं करा सकते, बट क्रूज कंट्रोल करा सकते हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे स्पीकर्स के लिए, और काफी सारे स्पीकर्स मैंने निकाले हैं। इसके अलावा भी काफी ऑप्शंस आते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट सेटिंग जो स्पीकर्स होते हैं वो मैंने आप लोगों से निकाल के यहाँ पे रख रखे हैं। हम पर्सनली अपनी कार के अंदर क्या लगा रहे हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। हम लगाने वाले हैं क्रेटा का अपना सोनी का ये सीरीज हायरस ऑडियो, और ये जो है हमने अनबॉक्स भी कर लिया है, एक वीडियो पहले शूट हो चुकी है। तो आप लोगों को पहले रेंज बता देता हूँ, रेंज से हमारे पास स्पीकर स्टार्ट है 2-2.5 हजार रुपए से स्पीकर स्टार्ट हो जाते हैं। मोस्ट सेलिंग स्पीकर्स की बात करते हैं तो वो रहने वाला ऑडिशन फोकल डीडी मॉरल का प्लग एंड प्ले, मॉरल का MK2 MK3 JL ऑडियो। उसके अलावा जो ऑप्शन रहते हैं जो आप लोगों ने सुन रखे होंगे, इन्फिनिटी JBL पाइनियर, तो वो भी रहते हैं, वो भी आपका 2-2.5 हजार से स्टार्टिंग हो जाती है, 18 हजार तक के कंपोनेंट्स आ जाते हैं उसके अंदर। रॉकफोर्ड की बात करते हैं तो रॉकफोर्ड पंच जो हमारा आ जाता है, रॉकफोर्ड पंच काफी लाउड बेस दे देता है आप लोगों को, काफी लाउड पंच है इसका, ऐसा नामी पंच है। और रॉकफोर्ड में प्राइम आता है, उससे नीचे वाली रेंज जो कि फुल रेंज जिसको कहते हैं वो आप लोगों को मिल जाएगी। इन्फिनिटी के अंदर आप लोगों को बेसिक स्टार्टिंग मिल जाती है अल्फा से, उसके बाद आप लोगों का रेफरेंस है, प्राइमस है, और उसके ऊपर कापा है, तो वो सारी सीरीज में अवेलेबल होती है। स्टार्टिंग अगर आप स्पीकर के लिए बजट बना रहे हैं तो 10-12 हजार रुपए का बना सकते हैं। हाई एंड में जाना चाहते हैं जैसे JL ऑडियो हो गया, DD हो गया, मॉरल हो गया, तो 12-15 से 20 हजार रुपए का बजट बना सकते हैं। अगर सोनी में जाना चाहते हैं, सोनी में भी एक सस्ते वाला भी आता है जो कि मार्केट में काफी इन है, तो वो तो 10 हजार से नीचे नीचे लग जाता है। बट अगर आप इसका बजट बनाना चाहते हैं तो इसकी कोएक्सेल की MRP है 20 हजार रुपए, कॉम्पोनेंट की MRP है 26 हजार रुपए। तो ये मैं आपको MRP इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है, एंड अलाउड नहीं होता कि डिस्काउंटेड प्राइस आप लोगों को मैं पब्लिकली बता पाऊँ। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप लोग इसका जानना चाहते हैं, या फिर इनमें से किसी भी आइटम का पर्टिकुलर प्राइस जो हमारे साइड से ऑफर हो रहा है वो जानना चाहते हैं। MRP के बाद जो डिस्काउंट होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं, ये अनबॉक्स ऑलरेडी हो चुका है। सोनी ये सीरीज लगाने के दो हमारे मेन मोटिव थे, एक तो ये हाई रेसोल्यूशन सपोर्ट करता है, सेकंडली ये जितने स्पीकर्स है सब पे 1 ईयर वारंटी आती है। सोनी के इस वाले स्पीकर्स के साथ आप लोगों को 3 ईयर वारंटी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज मिल जाती है, ठीक है। बाकी इसमें फॉर्म फिलिंग होती है, इसमें फॉर्म भर के डेट वेट डाल के स्टैम्प करके आप लोग 3 ईयर वारंटी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ जो चीज हम लोगों ने इंस्टॉल करी है। सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा क्रॉस ओवर, जो भी हम इसमें लगाने वाले हैं, ये क्रॉस ओवर की क्वालिटी देख सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है, और फुल ग्लास रहता है अपना पीस, और उसके बाद ये अंदर का साइड पूरा मिल जाएगा आप लोगों को, और इसमें आप लोग डेसिबल एडजस्ट भी कर सकते हो अपने ट्विटर्स के। क्रॉस ओवर के बाद इसका बहुत ही सुंदर आप लोगों को ट्विटर मिल जाता है, ठीक है। फिनिशिंग और जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया रहने वाली है इसकी, ये आप लोगों को मिल जाएगा ट्विटर। उसके बाद जो मेन है भाई कंपोनेंट आप लोगों को, उसकी भी लुक चेकआउट करा देता हूँ। साउंड आउटपुट आज की वीडियो में हम इसलिए चेक नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी हेड यूनिट फाइनल नहीं हुआ कौन सा लगेगा, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को स्पीकर्स की क्वालिटी और हमने क्या फाइनलाइज किया अपनी कार के लिए वो बता रहा हूँ। तो इसमें हम लगाने वाले हैं सोनी ES सीरीज का कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, हैवी मेटल, अपना हैवी मेटल यूज हुआ है, और साथ ही साथ मैग्नेट जो है वो भी काफी जबरदस्त है। 90 वॉट की इसकी RMS है, 270 वॉट की ये पीक जनरेट कर सकता है, और 4 ओम पे वर्किंग है, ठीक है। तो काफी अच्छा कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। साथ ही साथ इसमें एम्पलीफायर भी हम प्लान आउट कर रहे हैं, वो भी अभी लगेगा, वो शायद हो सकता है कि सोनी का ही अपना लगेगा, एक सीरीज आती है वो G4 करके वो लगाएंगे साथ में। अगर क्रॉस ओवर आ गया आप लोगों को कोएक्सल की क्वालिटी दिखा देता हूँ। अब इसमें तो ट्विटर सेपरेट आ गया था आप लोगों का, यहाँ आप लोगों की मिड बेस आ गई थी, इसके अंदर आप लोगों को वोकल मिल जाएगी, ट्रेबल भी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही साथ फिनिशिंग और क्वालिटी जो है वो काफी जबरदस्त है इसकी। इसकी भी मैग्नेट देख सकते हैं, ये भी 90 वॉट की RMS पे है, 270 वॉट की पीक जनरेट कर सकता है 4 ओम पे। सेम टू सेम दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल सेम है, नहीं तो मोस्टली जैसे आप इन ब्रांड्स में देखोगे JBL में तो कोएक्सेल की अलग होती है, कंपोनेंट्स की अलग होती है, चाहे वो सेम उसके हों, जैसे कि Stage 3 हो गया, Stage 2 हो गया, सेम उसके होंगे तो भी उसकी अलग होती है, बट इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम मैचिंग की बनाई गई है। फिटमेंट करेंगे, साउंड आउटपुट आप लोगों को सुनाऊंगा, काफी जबरदस्त आने वाला है। बाकी साउंड का मैंने आप लोगों को बजट बता दिया, 10-20 हजार रुपए में काफी अच्छा साउंड सिस्टम आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं स्पीकर्स के लिए। हेड यूनिट, जब हेड यूनिट की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा आप उसमें जाके देख सकते हो, बिकॉज इसमें इस क्रेटा की हम लोग एक एक चीज की पर्टिकुलर वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों को आइडियाज देंगे क्या कुछ आप लोग अपनी कार में इंस्टॉल करा सकते हो। तो ये था आज की वीडियो के लिए, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिंपली आके विजिट करके अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं कौन सा ऑडियो सेटअप आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। होपफुली वीडियो देख के मजा आया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर,
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। अब आप लोगों को सराउंड साउंड दिखाने वाला हूं मैं, किस तरीके से हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल कर रखा है। अभी कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई डीएसपी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज इंस्टॉल नहीं हो रखी, ओनली स्टीरियो एंड सोनी हाईरेस ऑडियो का ईएक्स का कॉम्पोनेंट। अब जो लोगों ने भाई अपना स्पीकर पे सुन रहे हो या किसी पे भी सुन रहे हो, तो वो लोग ईयरफोन्स प्लग इन कर सकते हैं या फिर अपने होम थिएटर से घर में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 5.1 की साउंड आप लोगों को सुनाने वाला हूं कैसी आएगी।